बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। रहते हैं, मेरी कोलैबोरेशन चलती हैं, तो इस वजह से कुछ ना कुछ बनता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस दफ़ा मैंने ट्राई किया था मार्बल केक और बहुत मज़े का बना था। तो खैर, ये ईद का जो फोर्थ डे है ना, उस दिन का ब्लॉग है। तो हम लोग ईद पर तो कहीं गए नहीं थे, क्योंकि ईद इसी तरह किसी के घर आना जाने में गुजर गई थी। और खैर, हम लोगों ने अपना पर्सनल कोई प्लान नहीं किया था, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्लान बनाया कि हम लोग जो है ना बाहर कहीं चलते हैं और खाना इंजॉय करते हैं जाके, क्योंकि पूरे रमज़ान भी कहीं नहीं गए थे और ईद वाले दिन भी बस इसी तरह जो हमारा डे था वो बहुत बिजी गुजरा था, क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हुई हुई थी। तो बस एक छोटा सा फंक्शन अटेंड किया था एंड बस घर आ गए थे। तो यहाँ पे मैं फुल ऑन रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं जी खाना खाने। अच्छा, कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या खाएं। हलाल ऑप्शन से बहुत ज़्यादा होती हैं लक्ज़मबर्ग में। बहुत से लोग मेरे से क्वेश्चंस करते हैं कि हलाल ऑप्शंस हैं कि नहीं। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पे, बट आपको मैं कोई टेस्ट की गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि टेस्ट और क्वालिटी जो है ऑफ फूड वो इतना ख़ास नहीं होता। और एंड पे आप यही कह रहे होते हो कि इससे अच्छा है कि हम लोग घर में खुद पका के ना और खा लें। लक्ज़मबर्ग चूँकि छोटा सा कंट्री है, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको बहुत लिमिटेड मिलेंगी। बट ये कि हाँ, नेबरिंग कंट्री जो फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी है, हमारे साथ लगते हैं, उसमें आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होती है। टर्किश कुजीन है, ईरानियन है, सीरियन है, लेबनीज फूड है, मतलब हर तरह के कुजीन आप लोगों को मिल जाते हैं और वो बहुत डिलीशियस भी होते हैं। यहाँ पर जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ लक्ज़मबर्ग में, वो सब उनकी यही कोशिश होती है कि बाहर अगर जाएं वो लोग तो उनको देसी फूड मिले, और वो डिप्राइव्ड होते हैं कि कहीं से हम लोग को देसी फूड मिल जाए। बट मेरे से अगर पूछा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि घर में हम लोग देसी फूड बनाते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो इतने प्रो हो चुके हैं कि हर चीज़ बना लेते हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि जब हम लोग बाहर जाएँ तो हम लोग डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करें, और नई नई कुजीन्स ट्राई करने से खाने नए नए जो खाते हो आप लोग, उससे आपको आई थिंक बहुत एक्सपोजर मिलता है। तो जनाब, ये है जी सुबह सुबह का टाइम और बच्चों को नाश्ता करा के सामान वगैरह पैक करके बच्चों का जो होता है हम लोग निकल गए थे अपने सफ़र पे। 2-2.5 घंटे की ड्राइव करके जाना था हम लोगों को, डसलडॉर्फ जाना था, और वहाँ पे क्यों जाना था वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं कुछ घर से ही बच्चों के लिए होममेड मील बना के लेके जाऊँ। मैंने बच्चों का फेवरेट बर्गर बना लिया था, कुछ नगेट्स थे और कुछ स्नैक्स वगैरह रख लिए थे उनके लिए, पानी की एक बॉटल थी, टिश्यू वगैरह रोल वो रख लिया था, एक्स्ट्रा पैम्पर रख लिए थे, एक्स्ट्रा कपड़े रख लिए थे, क्योंकि बच्चे फटाफट ही अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपके पास होनी चाहिए। यूरोप में जब स्प्रिंग आती है ना, तो बहुत ही हैपनिंग वाला सीन होता है, हर बंदा बाहर निकल आता है, और ऑब्वियसली हम लोग भी बाहर इस टाइम निकले हुए थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे बहुत डल बोरिंग सा होता है एटमोसफियर और ठंड रहती है, जिसकी वजह से वैसे ही आप आवाज़ार हो रहे होते हो और बाहर आप नहीं जा सकते, क्योंकि माइनस में भी समटाइम्स टेम्परेचर होता है। इतनी बच्चों को लेके जाना तो बहुत इम्पॉसिबल सा सीन लग रहा होता है, और फिर वो सारा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बच्चों के साथ जो हज़ार मसले चल रहे होते हैं, वो एक अलहदा इशू हो जाता है। तो खैर, यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि धूप भी निकली हुई थी हल्की हल्की और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, बड़ा मज़े का मौसम, जिसमें पाकिस्तान में भी मार्च और फरवरी एंड वाला जो मौसम होता है ना, वो ऐसा वाला मौसम था यहाँ पे। तो हम लोग एक्चुअली जा रहे थे ट्यूलिप फील्ड्स, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा लाइक जो ना एक फेस्टिवल सॉर्ट ऑफ लगता है, जिसके अंदर फ्लावर्स ही फ्लावर्स होते हैं ट्यूलिप्स के, और डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट कलर्स, ह्यूज, उसके टेंस एंड शेड्स का कॉम्बिनेशन होता है, वाइब्रेंट इतने कलर्स होते हैं फ्लावर्स के कि उस पर जो है ना बहुत वो एक खूबसूरत समास वाला सीन होता है, और हर वहाँ पर जाता है उसको विजिट करने जाता है उस प्लेस को, ताकि मेमोरीज बना सके, पिक्चर्स क्लिक कर सके। तो हम लोग को भी ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लगे थे, तो खैर रास्ते में एंजॉय भी करते हुए गए। और जब हम लोग यहाँ पे आए ना, तो ऑलमोस्ट काफ़ी फ्लावर्स जो थे वो ख़त्म भी हो गए थे, मतलब आपको फ्लावर्स नज़र भी आ रहे होंगे, बट स्टिल काफ़ी ट्यूलिप्स जो है ना वो लाइक वो अब उतारना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। और फिर ऑब्वियसली इनका सोर्स ऑफ इनकम है, इनका लिविंग है, ये इनका जैसा रोज़ी रोटी है, और इसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद नहीं सारे इसको कट डाउन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आगे जाके ट्रैक्टर था, आई डोंट नो क्या था वो, बट एक मशीन की हेल्प से ना वो सारे तरीके से फ्लावर्स को, ट्यूलिप वाले जो फ्लावर्स होते हैं उसको उतार रहे थे, और फिर बाद में ऑब्वियसली उसको बुके के फॉर्म में वो लोग सेल आउट करेंगे, और ये इनका एक प्रॉपर बिजनेस है। बट ये कि बहुत प्यारा लग रहा था, ऐसे ऐसे हम लोग चल रहे थे और बहुत रश भी था, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे, लोग इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि ये जो समर्स होते हैं ना यहाँ पे बहुत रौनक होती है यूरोप में, क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत बढ़ जाती है, टूरिस्ट भी बहुत आते हैं,
तो काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी और रौनक होती है। एनीवेज जी, यहाँ पे काफ़ी लोग जो थे ना वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो जो गार्ड जो थे वो बार बार उनको रोक रहे थे कि नहीं अभी अंदर नहीं जाना। तो लेकिन हर बंदे की कोशिश थी कि इस करीब जाके ना ट्यूलिप्स के फूलों के पास वहाँ पे जाके पिक्चर्स बनाई जाएँ, मेमरीज बनाई जाएँ और वीडियोज़ बनाई जाएँ। अच्छा, काफ़ी लोग टिकटॉक से बना रहे थे क्योंकि वो नज़र आ रहा था दूसरे। तो इस प्लान को एग्जीक्यूट होते होते ऑलमोस्ट 3 से 4 साल लग गए हैं। काफ़ी अर्से से हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ था कि हम लोग स्प्रिंग के मौसम में जाएंगे, क्योंकि ये ड्यूरेशन जो होती है इन ट्यूलिप्स की, लाइक हार्डली टू वीक्स के लिए ये एग्जिस्ट करते हैं, और उसके बाद इनकी सारी जो है ना इनको कट कर लिया जाता है और फिर वो सेल आउट करने के लिए चले जाते हैं। तो ये बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए आता है और कभी इतना टाइम ही नहीं मिल सका कि हम लोग जाएँ और इसको देखें कैसा लगता है, क्योंकि ये बहुत फेमस है यहाँ पर। एक हॉलैंड में भी होता है, इसकी एग्जीबिशन लगती है, और एक ये जो है ना डसलडॉर्फ के पास था। डसलडॉर्फ बेसिकली जर्मनी का एक शहर है। तो खैर, शुक्र है हम लोग टाइम पे आ गए, और मुझे लगता हम लोग यही बात कर रहे थे कि इसके बाद जो है ना ये कट हो जाने हैं, बल्कि जिस टाइम हम लोग थे उसी टाइम ही जो है ना कट होना स्टार्ट हो गए थे। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर नुमा लाइक मशीन सी है, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, बट ये कि वो जो है अंकल वो बैठे हुए हैं अंदर और वो सारे फ्लावर्स को, सारे ट्यूलिप्स को ना प्लग कर रहे हैं। आप देख ले सकते हैं बैक पे बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं और फ्रंट से जो है ना वो उसको कट कर रहे हैं। इतने तरीके से कर रहे थे, ऑब्वियसली मशीन से कर रहे थे, बट मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग वाला सीन था कि बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। तो खैर, यहाँ पे हम लोग एंड वाली जगह पे आए। इसमें इस टाइम ट्यूलिप्स जो थे ना वो फुल ऑन ब्लोन फॉर्म में थे, बहुत खिले हुए लग रहे थे। आई डोंट नो उन्होंने ये वाला सेक्शन क्यों छोड़ा हुआ था और इसको क्यों उन्होंने कट किया, शायद इसलिए कि ये बहुत खिल चुके थे और उनको इतने नहीं चाहिए होगा आई थिंक बुकेस बनाने के लिए, तो दैट्स वाई ये ना इन्होंने टूरिस्ट के लिए ही रखे हुए थे। तो खैर, बड़ा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा। एक ड्यू प्लान था बहुत अरसे से जो कि एग्जीक्यूट हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जी हम लोग थोड़ा सा सिटी को एक्सप्लोर कर रहे थे, और पार्किंग मिलना तो आपको पता है यहाँ पे यूरोप में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ज़्यादातर लोग यही प्रेफर करते हैं कि वो बसेस में जाएँ या बाई वॉक जाएँ, वो ज़्यादा ईजी लगता है एज़ कम्पेयर टू ये कि आप गाड़ी में जाओ और पार्किंग आप स्पेस ढूंढो, और पार्किंग आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ती है और हर जगह आप पार्क कर भी नहीं सकते, तो ये बड़ा एक हैसल होती है यहाँ पे। खैर, उसके बाद फिर भूख लग गई थी और फिर से ये सोच रहे थे कि अब इतनी दूर आए हैं तो चलो कुछ खाना खा ही लिया जाए, क्योंकि उसके बगैर तो फिर गुजारा नहीं हो रहा था। कल्चर्स को देखने का करीब से मौका मिलता है, उनके टेस्ट को आप जब खाते हो उसको तो आपको पता चलता है कि इनका फूड कैसा है, और ये लोग लाइक स्पाइसिस कम खाते हैं, किस तरह से इनका एक वे ऑफ मेकिंग अ फूड है। तो खैर, एक बड़ी मज़े की ड्रिंक थी, अब तो मुझे याद भी नहीं है कौन सी ड्रिंक थी, क्योंकि ये 2-3 दिन पुराना व्लॉग हो चुका है। सबसे पहले तो उन्होंने जी हम लोगों को ऑफर की थी सैलड। अच्छा, इसमें बहुत सी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री भी होती हैं, लाइक ड्रिंक समटाइम्स कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी, सैलड हो जाएगा, बट आई थिंक जब आपको वो बिल बना के लेके आते हैं ना, तो वो जो मेन सारे आपके कोर्सेज होते हैं ना, मेन फूड कोर्सेज, उसमें वो सारा बिल का कोटा पूरा कर देते हैं। तो हम लोगों ने भी मेरा ख्याल है ये लेबनीज रेस्टोरेंट ट्राई किया था। सैलड बड़ा मज़े का था, क्वाइट हेल्दी ऑप्शन होती है, तो वो सबसे पहले जो है ना वही खाने को दिल चाह रहा था। मैंने आज का दिन कुछ खाना भी नहीं बनाया था, आज मेरी छुट्टी थी खाने से और मैं फुल ऑन इन्जॉय कर रही थी अपने मील को। जितने भी लोग मुझे बाहर से देख रहे हैं लाइक यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग बाहर जब डाइनिंग करने जाते हैं आप लोग किस तरह का फूड प्रेफर करते हैं, खाना कौन सा कुजीन आप लोगों को बेस्ट लगता है और कौन कौन से कुजीन आप लोगों ने अभी तक ट्राई कर लिए हैं। अच्छा, पाकिस्तान जाने से पहले ना हम लोग बहुत माइंडफुल प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम लोग ये जाके खाएंगे, जिसमें हम लोगों ने बिरयानी, हरीसा, पाहे और निहारी और ये टिक्के कबाब,